देख रहे हैं 10 का दंगल आपके साथ। इस वक्त मैं हूं लक्ष्मी उपाध्याय। पाकिस्तान के हुक्मरानों से इस्लामाबाद तो संभल नहीं रहा, लेकिन ख्वाब देख रहे हैं उस कश्मीर का जो कयामत तक पूरा नहीं होने वाला। जी हां, इमरान खान कश्मीर का ख्वाब देख रहे हैं। पीओके में जीत हासिल करने के लिए एक बार पाकिस्तान की तरफ से फिर से कश्मीर के युवाओं को भड़काया गया, उकसाया गया। पीओके में ये कहा गया है कि इस बार जीत होगी और कश्मीर का सपना देखा जा रहा है, जन्म संग्रह की बात की जा रही है। लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जिस पीओके को चमन और विकास का सपना दिखाकर मियां इमरान सत्ता में आए थे, जिस पाकिस्तान को विकास का सपना दिखाकर मियां इमरान सत्ता में आए थे, वहां की हालत क्या है ये पूरी दुनिया जानती है। कटोरा दे दिया है उन्होंने हर एक व्यक्ति के हाथ में। और पीओके की बात करें तो पीओके को आपने दिया क्या? वहां स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, वहां अस्पताल नहीं है, वहां पर शिक्षा नहीं है, वहां पर सड़कें नहीं है, वहां पर बिजली नहीं है, और आप कहते हैं कि आप पीओके को जीत हासिल करेंगे। इस वक्त एक बड़ी खबर मैं आपको बताऊं, 10 का दंगल इसी पर होगा, लेकिन बड़ी खबर यह है कि इमरान ने चुनावी सभा में पीओके में जनमत संग्रह का वादा किया है। पीओके के लोग तय करेंगे पाक के साथ ही या आजाद होंगे। इमरान पीओके में रविवार को असेंबली के चुनाव होने वाले हैं, उसी के लिए प्रचार करने के लिए गए थे। पीओके में फिर से उन्होंने जहर उगला है भारत के खिलाफ। जम्मू कश्मीर के युवाओं को आतंक के लिए उकसाने वाले बयान दिए। तो आपको सुनाएंगे कि पीओके में कोटली में चुनावी सभा में किस तरह इमरान ने हिंदुस्तान को मजबूर बताकर वाहवाही लूटने की कोशिश की, लेकिन इमरान के इस राग से साफ झलक रहा था कि इमरान हिंदुस्तान की मजबूती से खौफ खा रहे हैं और मजबूत हिंदुस्तान के आगे खुद को मजबूर समझ रहे हैं। कोशिश भी उनकी यही है कि इसको साबित न किया जाए। ताकि हिंदुस्तान मजबूर होगा, क्योंकि वो कश्मीरियों का जो जज्बा था, वो आजादी का जज्बा किसी सूरत नीचे नहीं जाने लगा। कश्मीरी उधर जद्दोजहद कर रहे हैं और कश्मीरियों का सफीर जो आपके सामने खड़ा है, इधर मैं जद्दोजहद करूंगा आपके लिए। पीओके पर बिगड़ा नियाजी का दिमागी संतुलन। ये रेफरेंडम के जरिए आप फैसला करें। इस्लामाबाद संभलता नहीं, अब पीओके का सपना। कश्मीरी उधर जद्दोजहद कर रहे हैं और कश्मीरियों का सफीर जो आपके सामने खड़ा है, इधर मैं जद्दोजहद करूंगा आपके लिए। पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में पाकिस्तान की इमरान सरकार कल 25 जुलाई को असेंबली के चुनाव करवा रही है। इससे पहले शुक्रवार को गुलाम कश्मीर के तरारखल इलाके में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पाक पीएम इमरान खान ने भारत के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ और आरएसएस बीजेपी के खिलाफ जमकर जहर उगला। अपनी पार्टी पीटीआई की सरकार बनाने के लिए गुलाम कश्मीर के लोगों को बहलाया, फुसलाया और चुग्गा फेंका। इमरान खान ने कश्मीर में जनमत संग्रह करवाने का वादा किया। मेरी हुकूमत आपको एक और हक देगी कि रेफरेंडम के जरिए आप फैसला करें कि आप आजाद रहना चाहते हैं या पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं। इमरान ने भारत के जम्मू कश्मीर के युवाओं को उकसाने वाले बयान दिए, अलगाववाद को हवा दी, आतंक को सराहा और एक बार फिर मुंगेरी लाल के हसीन सपने की तरह हिंदुस्तान को मजबूर करने की बात कही। आगे जाके हिंदुस्तान मजबूर होगा, क्योंकि वो कश्मीरियों का जो जज्बा था, वो आजादी का जज्बा किसी सूरत नीचे नहीं जाने लगा। कश्मीरी उधर जद्दोजहद कर रहे हैं और कश्मीरियों का सफीर जो आपके सामने खड़ा है, इधर मैं जद्दोजहद करूंगा आपके लिए। इतना ही नहीं, पीओके के लोगों को इमरान ने विकास के हसीन सपने दिखाए। चीन और अरब देशों के टुकड़ों पर पलने वाले पाकिस्तान के पीएम इमरान खान नया पाकिस्तान का वादा कर सत्ता में आए थे, लेकिन पिछले 3 सालों में पाकिस्तान को अरबों का कर्जदार बना देने वाले इस हुक्मरान ने गुलाम कश्मीर के लिए फिर झूठे वादों का पिटारा खोला, जहां आए दिन पाकिस्तान के शोषण के खिलाफ आक्रोश भरे विरोध प्रदर्शन होते रहते हैं और पीओके के लोग पाकिस्तान के कब्जे से छुटकारे के लिए भारत से गुहार लगाते हैं। पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया जाएगा सिर्फ अपने गरीब निचले कमजोर तबकों को ऊपर उठाने के लिए। जो जनता है उससे मैदान जंग में मिलना है, तो हमें इसमें भी कोई आर नहीं है। हम मैदान जंग में उनके कंधे से कंधा मिलाकर जुड़ने के लिए भी तैयार हैं।
दरअसल इमरान भारत की कश्मीर नीति से खौफ में है। उन्हें हर पल पीओके छिन जाने का डर चैन नहीं लेने देता। सदन में जब जब जम्मू एंड कश्मीर राज्य बुला हूँ, तब तब पाक ऑक्यूपाई कश्मीर और अक्साई चीन दोनों इसका हिस्सा है, ये बात को आ। अरे बात होगी अब तो पाक अधिकृत कश्मीर पर बात होगी बहनों भाई, और किसी मुद्दे पर बात नहीं होगी। सवाल है, इमरान इस्लामाबाद संभाल नहीं पा रहे और पीओके का सपना देख रहे हैं। इमरान चाहे जितना जोर लगा लें, अब पाकिस्तान के एक और टुकड़े का वक्त करीब आ चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस्लामाबाद तो संभल नहीं रहा, लेकिन पीओके का सपना देख रहे हैं, कश्मीर का सपना देख रहे हैं। तमाम खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं, सबका पर्चे। उसके बाद 10 के दंगल की शुरुआत करेंगे। अमित रैना जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कर्नल रिटायर्ड टीपी त्यागी साहब रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड एके सिवा साहब डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, मोहम्मद जफीर पाकिस्तान से पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सना खान जो कि पाकिस्तान से पत्रकार हैं वो भी हमारे डिबेट का हिस्सा हैं। बहुत बहुत स्वागत सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। मोहम्मद जफीर, मैं पहले आपके पास ही आ रही हूं, और मैं चाहती हूं कि इस बार जो आप बयान दें वो तथ्यों के आधार पर दें और सही तरीके से दें। एज ए पत्रकार लोग आपको देखना चाहते हैं, नॉट एज ए प्रवक्ता। मेरा सवाल सीधा सा है, मैं सना आपके पास आ रही हूं। पाकिस्तानी हुक्मरानों से पाकिस्तान तो संभाल नहीं रहा, लेकिन कयामत तक पूरा ना होने वाला कश्मीर का ख्वाब जरूर दिखा देते हैं। 1947 में मजहब की अफीम काब की तो देश बट गया, लेकिन जैसे ही नशा उतरा तो बांग्लादेश भी बना सबके सामने है। इमरान की जरूरत नहीं है कि पानी की छींटे मार के उनको जगाया जाए और समझाया जाए कि भाई कश्मीर खुशहाल है, वहां विकास है, वहां सहूलियतें हैं। पीओके को देखिए कि आपने दिया क्या है। पाकिस्तान से आप आतंकियों को ढोकर लाते हैं और पीओके में छोड़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इनवाइट किया, आपकी टीम का भी थैंक यू। देखिए, जहाँ तक इमरान खान साहब के बयान की बात है, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन कैंपेन जारी है और मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनके रहनुमा अपनी अपनी इलेक्शन कैंपेन चला रहे हैं। तो इमरान खान साहब के जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर होने के साथ साथ वो एक पॉलिटिकल पार्टी के हेड भी हैं। तो मैं इमरान खान के रेफरेंडम कराने के बयान को सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट की हद तक महदूद समझती हूँ, जो कि इलेक्शन जीतने के लिए दिया गया है। रियासत पाकिस्तान की ऐसी कोई पॉलिसी ना कभी माजी में रही है और ना मुस्तकबिल में हो सकती है। लेकिन ये तो साफ हो गया ना कि इलेक्शन जीतने के लिए आप जनता की भावनाओं से खिलवाड़ करेंगे, दोनों तरफ के आवाम आप जनता को धोखा देंगे, जनता से झूठ बोलेंगे, अपनी हकीकत को छुपाएंगे, मुमकिन है। ठीक है, रही बात आपका ये सवाल कि जी कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में बड़ा अमन, और आप जो अभी दुनिया को आप लोग जो दिखाते हैं अपना, आप लोग के असल में जो जर्नलिज्म है वो आपके स्टार प्लस के ड्रामों से कम नहीं है। डिबेट का हिस्सा जर्नलिज्म नहीं है, डिबेट का मुद्दा नहीं है। सना खान जानती है, सना खान जर्नलिज्म डिबेट का मुद्दा नहीं है। आप कश्मीर और पीओके पर बोलिए, जर्नलिज्म हमारे यहाँ कैसा होता है आपको बेहतर तस्वीर नजर आती होगी। आप ही के सेना ने, आप ही के लोगों ने, आप ही के हुक्मरानों ने लॉर्ड माउंटबेटन के साथ मिलकर, क्योंकि उस वक्त ये फैसला हुआ था कि वो इलाके जहाँ मुसलमान अक्सरियत होगी वो पाकिस्तान के हिस्से में आएगा, और जो आपके जहाँ पे हिंदुओं की अक्सरियत होगी वो हिंदू भारत। मैंने कहा कि पीओके की असलियत क्या है, पाकिस्तान ये बता पा रहा है कि उसने क्या दिया पीओके को? पाकिस्तान का ऐसे इसका जवाब ना तो वहाँ की सरकार के पास होता है और ना ही वहाँ के किसी भी व्यक्ति के पास, चाहे वो पत्रकार हो। प्रोपेगेंडे के ऊपर सीधा सवाल मेरा ये है मैडम, एजेंडा तो और इमरान खान चला रहे, लोगों को एजेंडा तो लोगों को गुमराह करने का वो चला रहे। शिवाज साहब पाकिस्तान से इमरान खान का ये सपना कयामत तक पूरा होने वाला नहीं है, लेकिन गुमराह जरूर करेंगे वहां की जनता। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत का हिस्सा है, और इसमें आपको ये पता होना चाहिए जो आज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान है उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। वहाँ पर बिजली, पानी, सड़कें कुछ नहीं है, और लोग बहुत परेशान हैं, वो मिलना चाहते हैं भारत में। और आपको पता है 1994 में पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन पास है भारत में कि पूरा जम्मू एंड कश्मीर भारत का हिस्सा है और वापस आना चाहिए, और उसकी 25 सीटें भी छोड़ी जाती हैं। अभी समझना चाहिए हमारे जो पत्रकार हैं पाकिस्तान से कि जो असलियत है वो होके रहेगी,
और आने वाले समय में जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वो भारत में मिलेगा, क्योंकि ये इलीगली ऑक्यूपाइड है, जो इन्होंने 1947 के अंदर रेडर्स ने आके ये कब्जा किया है, ये गलत है। अगर आप देखें हिस्ट्री में पीछे जाएं, महाराजा हरि सिंह ने एनेक्सेशन साइन कर दिया 26 अक्टूबर 1947, और उसके बाद कोई शक और सवाल नहीं रह जाता कि ये पूरा भारत का हिस्सा है और भारत के अंदर ही रहेगा। और भारत जो है इसके लिए एक प्रकार से वचनबद्ध है कि ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान भारत के अंदर आएंगे। और यही नहीं, आवाज पाकिस्तान के ऑक्यूपाइड कश्मीर खुद आ रही है। आज अगर वो मुकाबला करें भारत का डेवलपमेंट का और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का, मोहम्मद जफीर खान खुद महसूस होने लगा है पीओके की जनता भी पाकिस्तान के जुर्मों से बेहाल है और इसकी बानगी आपने देखी होगी। यहाँ पर डेमोक्रेसी है, सर मैं लौट रही हूँ जफीर जी से एक सवाल ले रही हूँ, डेवलपमेंट हो रही है, तो ऐसे में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की हालात बहुत खराब है। वो चाहते हैं कि डेवलपमेंट हो और वो भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं, ये सर वहाँ की जनता तो खुद मैसेज दे रही है ना, पीओके सही है ना अली असीम साहब, जब गए तो जूते मारकर वहां की जनता ने भगा दिया। आप जिस पीओके को फतह करने की बात कर रहे हैं उसी पीओके से आते हैं आपके मंत्री साहब, जिनको अली असीम गंडापुर साहब को पीओके से जूते मारकर भगाया गया साहब, पीओके की जनता ने पत्थर जूते मारकर भगाया था। आप ज्यादा दिन तक पीओके के लोगों को कैद नहीं कर पाएंगे, ये मैसेज वहां की जनता आपको दे रही है, क्योंकि अब आपसे हिसाब मांगा जा रहा है। जफीर साहब जी बोलिए। थैंक यू सो मच, सबसे पहले लक्ष्मी आपका और आपकी टीम का, और जहां आपने आज आपका जो आज का टॉपिक है, देखिए यही सबसे अच्छी और बड़ी बात यही है कि एक तरफ पाकिस्तान आजाद कश्मीर के शहरियों को ये हक देता है, जो कि 1948 में आप ये आजाद बहन लेकर गए थे, सर ऑडियो में प्रॉब्लम आ रही है, कोशिश करिए कि आप ठीक करें उसके बाद मैं लौटूंगी, क्योंकि मैं जब बात करती हूँ कि पाकिस्तान में बिजली नहीं है, नेटवर्क की भी इशू रहती है आप लोगों की, ठीक करिए मैं लौटती हूँ। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, इमरान के ऊपर उभरते मजबूत होते भारत का खौफ साफ नजर आ रहा है, और यही वजह है कि पिछले कई दिनों से इमरान खान आरएसएस और बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं, यानी जनता को बरगलाने के लिए वो आरएसएस और बीजेपी का राग लाते हैं। पीओके में एक बार फिर से इमरान ने हमला बोला है, आरएसएस और बीजेपी को लेकर इमरान खान की बौखलाहट साफ नजर आ रही है। इमरान खान खुद को मजबूर महसूस कर पा रहे हैं मजबूत हिंदुस्तान से, देखिए सुनिए जरा उनकी बौखलाहट। केस लड़ना तो दूर की बात, वो नरेंद्र मोदी जिसने कश्मीरियों के ऊपर सबसे ज्यादा जुल्म किया, बाकी भी अकलियतें क्रिश्चियन सिख उनको भी बराबर का शहरी नहीं समझा गया, क्योंकि आरएसएस आरएसएस की एक आइडियोलॉजी है, वो समझते हैं जो आइडियोलॉजी जो हिंदुत्व, वो समझते हैं कि बाकी शहरी जो बाकी अकलियतें बाकी दीन वो उनके बराबर के नहीं है। सुना आपने, टीपी त्यागी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, सर बहुत स्वागत है। सर चीन और अरब देशों के टुकड़े पर पलने वाला पाकिस्तान, उसके प्रधानमंत्री इमरान खान नया पाकिस्तान का दावा करके आए थे सर, तस्वीर हम देख रहे हैं, लेकिन पिछले 3 सालों में पाकिस्तान को क्या मिला? वहां की जनता को रोटी नहीं मिल पा रही है, कर्जदार बना दिया है हुक्मरानों ने वहां की जनता को, गुलाम कश्मीर के लिए फिर से झूठे वादे किए जा रहे हैं, ख्वाब देख रहे हैं ऐसा जो शायद कयामत तक पूरा नहीं होगा। सर देखिए 23 जुलाई को इमरान खान ने पीओके के कोटली में जो स्पीच दी है उसको सुन के हंसी आती है। वो पहले तो अपनी पार्टियों से पूछते हैं कि पीपीपी ने मुझे आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा आप ऑडियो बढ़ाएं ताकि मन की बात सुन। जी 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 अभी आपको आवाज आ रही है? हेलो बोलिए सर, बोलिए अपनी बात रखिए।
हाँ, मैं कह रहा हूँ कि 23 जुलाई को जो स्पीच इमरान खान ने कोटली में दी है उसे सुनने के बाद हंसी आ रही है। वो पहले तो अपने पीपीपी और पीएमएल से पूछते हैं कि तुम्हें 5-5 साल मिले थे, तुमने क्या किया। कोई इमरान से पूछे कि इमरान ने क्या किया, ये कि उसने पाकिस्तान को चीन के हाथों गिरवी रख दिया, ये कि उसने मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की लिस्ट में डाल दिया। ये 70 सालों से यही करते आए आप लोग। अपने घर की फिक्र करें, बराबर के घर में क्या हो रहा है उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है आपको। हम मौजूद हैं यहाँ पे, पाकिस्तानी गवर्नमेंट, पाकिस्तानी फोर्सेस मौजूद हैं पाकिस्तान का ख्याल करने के लिए। अपने देश की आप फिक्र करें, जहाँ पे लोगों को दिन दहाड़े मारा जाता है, मासूम बच्चों को बर्बरियत का निशाना बनाया जाता है। आप लोग पाकिस्तान ने पीओके पर कब्जा करने के बाद उसे गुलाम बनाने के बाद क्या दिया? सना खान मुझे बताइए, वहां की जनता को आखिर आपने दिया क्या? वहां बिजली नहीं है, अच्छे अस्पताल नहीं है। आलम यह है कि 2 जून की रोटी के लिए लोगों की कमर टूट जाती है। पाकिस्तान की शहरग है मोहतरमा, बात सुने, कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। और ये सपने देखना भूल जाइए, ये मुंगेरी लाल के सपने, मुंगेरी लाल के सपने पूरे होने वाले नहीं है। आपको भी समझ आ गया है कि पीओके बहुत जल्द हिंदुस्तान का हिस्सा था और होगा। यही लोकलाट इमरान खान को नजर आ रही है इस वक्त। अरे आप मुझे बताइए कि आपने पीओके के लिए किया क्या है? सना खान, पीओके को दिया क्या है आतंकियों के अलावा? आपने आतंकियों को धोकर पाकिस्तान से आपने पीओके में छोड़ा है। वहां आपने बिजली नहीं दी, सड़क नहीं दी, शिक्षा नहीं दी, अस्पताल नहीं दिए, क्या दिया है आपने? लोगों को 2 वक्त की रोटियां नहीं मिल रही हैं और इसीलिए आपके मंत्री वहां जूते खा रहे हैं। ये हालात हो गए आप लोगों के आगे। अरे भाई, हम हमारा हमेशा जहर उगलता है। सच में मम्मी बोल रहे हैं कि कामयाब पाकिस्तान एहसास ये योजनाएं लाएंगे। अब तक क्या कर रहे थे? अगर उनकी ये योजना है कामयाब पाकिस्तान और एहसास जिसका वो अपनी अमित रैना साहब कर रहे हैं, अमित रैना साहब, पीओके को पाकिस्तान ने आतंक और अय्याशियों का अड्डा बना दिया है। मुझे नहीं लगता कि मैं इसमें एक शब्द गलत कह रहे हूँ सर। जो तस्वीर इस वक्त वहां की नजर आ रही है, वहां पर बारूद की बम गंद फैलाई गई है, वहां पर जो नस्लों तबाह कर दी गई है जुर्मों के जरिए, और आप कहते हैं कि हम देखिए पूरे पैनल में अगर कोई कश्मीर से है, अगर कोई कश्मीरी है तो मैं हूँ। और मैं अपने पाकिस्तानी मित्रों से कहना चाहूंगा कि आपने जो कश्मीर का हाल किया है, आपके कारण दोनों साइड से पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर में और जम्मू कश्मीर में इतनी लाशें बिछी हैं। क्यों? क्योंकि आपको अपनी राजनीति करनी है। शर्म की बात यह है कि कल पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर में बात तो इमरान खान आजादी की करते हैं, कर्फ्यू आपने लॉफिस किया हुआ है, वहां पे लोगों को यहां तो यहां कश्मीरियों को तो बोलने दीजिए। आपने मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों की आवाज आवाज रखी है, कम से कम यहां तो कश्मीरी को सुन लीजिए। आप इलेक्शन लड़ रहे हैं जिससे आप कहते हैं आजाद कश्मीर, मकबूजा कश्मीर को आप आजाद कश्मीर कहते हैं, और इलेक्शन कौन लड़ रहा है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, पाकिस्तान। तो ये कैसा आजाद कश्मीर है जिसमें सिर्फ पाकिस्तान ही है? और ऐसी शर्मनाक बात है, ऐसी शर्मनाक बात है कि आपके प्रधानमंत्री बात करते हैं आतंकवादियों की, कि यासीन मलिक जिसके हाथ में सैकड़ों लोगों का खून है, या गिलानी जिसके हाथ में कितने बच्चों का खून है, उनकी दुहाई करते हैं, उनके लिए दुआ करते हैं। ये साफ मानसिकता दिखाता है पाकिस्तान की, कि क्या है पाकिस्तान की मानसिकता, कि आतंकवाद को बढ़ाया जाए, आतंकवाद कश्मीरियों का खून बहाया जाए, कश्मीरियों के लाशों पे अपने देश की राजनीति चलाया जाए। इसके अलावा पाकिस्तान का कोई विचार नहीं है कश्मीरियों के भलाई के लिए। ये है राजनीति। और ये जो सियासत की बात करें तो ये तो भारत का शेवा है, आप लोग करते हैं, आप लोग के पास असल में और कुछ है नहीं। सना खान जी, मैं कश्मीरी होने के कह रहा हूँ कि हमें माफ कर दीजिए। बहुत खून बह गया जम्मू कश्मीर में, बहुत खून बह गया मकबूजा कश्मीर में, आज हमें माफ कर दीजिए, हमें अपनी जिंदगी जीने दे। और आप लोग बात करते हैं बड़ा हमें हमारी जिंदगी जीने दे।
किस कस्टम की बात कर रहे हैं आप? अपने बलूचिस्तान की फिक्र करें। अगर आपको लोगों के राय शुमारी का इतना शौक है तो बलूचिस्तान में कराएं। अगर आपको राय शुमारी का इतना शौक है तो सिंध में करवाएं। आप हमारी लाशों पे क्यों अपनी राजनीति करना चाहते हैं? कराइए, बलूचिस्तान में कराइए। ये तो फैसला आप कराइए, क्यों नहीं करा रहे आप? ये फैसला 70 साल से आप जो जुल्म कर रहे हैं बलूचिस्तानियों पे, उसपे आपने सिंधियों पे जो पंजाबी जुल्म कर रहे हैं उसपे क्यों आगे मुंडी नहीं है आपने? अपनी सियासत ही कश्मीर के ऊपर चमकाते हैं। नहीं नहीं, मैं सियासत चमकाऊंगा? मैं तो आपके जुल्म का मारा हुआ हूँ। नाम तो सही ले लीजिए आप। सना, आपने आपने पीओके की हालत और कश्मीर का विकास देखा है? सना जी, आप हमारी फिक्र करिए, आपका नाम भी सही ले लेंगे। आप अगर हमारी लाशों पर राजनीति करेंगे तो शायद आप कुछ ना सही ले। जनाब रहने दें, इंडिया को तो हर जगह हर फोरम पे जाके एक्सपोज किया है। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, बांग्लादेश पूरी दुनिया जानती है कि इमरान खान वो प्रधानमंत्री है जिनकी हालत क्या हो रही है। पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया जानती है कि आप लोगों की फुर्सत रही है धोखेबाजी की। पूरी दुनिया जानती है कि आप लोग जो अमेरिका के साथ किया, हमारी चीन के साथ धोखा कर रहे हैं, जिसकी रोटियां खा रहे हैं, जिसके थाली में खा रहे हैं उस पर छेद कर रहे हैं, अब आप उसको भी नहीं बख्श रहे हैं। पूरी दुनिया जानती है। और पीओके के उलट आप कश्मीर के विकास देखिए, यहाँ के डेवलपमेंट का फॉर्मेट देखिए, प्लान देखिए, आपको समझ आ जाएगा कि जनता मजहबी भांग अब पीने वाली नहीं है। पीओके की मजहबी की जिम्मेदारी भड़काने की कोशिश करेंगे तो आपकी करतूतों को भूलेगी नहीं जनता। हिंदू लड़कियों को आप अगवा कर ले, एक्सपोज हम हो रहे हैं। सिख लड़कियों को आप अगवा कर लेती है, जबरदस्ती उनका धर्म बदल लेती है, निकाह करवा लेती है, एक्सपोज हम हो रहे हैं। आप सोचिए ये हालात है आपके। आप पीओके को सपना दिखाते हैं विकास का, शर्म नहीं आती इमरान खान को? किस मुंह से सपना दिखाते हैं? पीओके के लोगों को आपने आतंक की आग में ढकेल दिया है, अड्डा बना दिया है आपने आतंक का, और आप कहते हैं कि विकास करेंगे? छोटे से ब्रेक का वक्त लौटूंगी। सना खान, आप अगर मुझे यहाँ गिना पाए कि आपने पीओके को दिया क्या सिवाय आतंकवाद के, तो आप मुझे बता दीजिएगा। आपने अपनी फोर्स, आपकी आवाज भी आपको सुन रही होगी, आपकी आवाज भी आपको सुन रही होगी। मैं लौट रही हूँ। सना खान, आप मुझे एक एक डेवलपमेंट बता दीजिए पीओके में, एक डेवलपमेंट बता दीजिए कि आपने किया है, बता दीजिए मुझे, मैं लौटूंगी। थोड़े से ब्रेक का वक्त है, फौरन लौट रहे हैं, दंगल जारी है। का दावा है कि महमूद कुरैशी ने कहा पीटीआई को 44% वोट मिलने का दावा किया गया। पीओके की जनता ने विपक्ष को नकार दिया। शाह महमूद कुरैशी इस बात का दावा कर रहे हैं। वो पीओके की जनता जो इमरान खान के मंत्री को जूते मारकर भगाती है, उनको भागना पड़ता है, जूते पत्थर मारे जाते हैं। असीम गंडापुर पीओके के ही है, लेकिन बावजूद इसकी भाषा नहीं बदल पा रही है। शाह महमूद कुरैशी कह रहे हैं कि देखिए पीओके की जनता ने विपक्ष को नकार दिया है, पीटीआई को वोट दिया जा रहा है, लेकिन शायद वो भूल गए हैं कि पीओके की जनता ने पाकिस्तान को ही नकार दिया है। पीओके की जनता पाकिस्तान की असलियत और वहां पे जो बारूद की गंध जो फैलाई है ना, जिससे वहां की नस्लें बर्बाद हो रही हैं, उसको नकार दिया है वहां की जनता ने। इसमें कोई शक नहीं है कि जो इलेक्शन हुए हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, वो एक प्रकार से रिग्ड है। अगर पीटीआई जीतती है तो वो तो पहले ही पता पीटीआई जीतेगी, मगर सच्चाई यह है कि वहां पर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में कोई भी डेमोक्रेसी नहीं है, लोगों के कोई राइट्स
नहीं है, सेकंड क्लास सिटीजन माना जाता है। मैंने पहले भी बताया ये जो नीलम नदी है जो मेन नदी है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की, उसका भी मुंह मोड़ के इन्हें पंजाब की तरफ कर दिया है। इन्फ्लेशन रेट 37% है और आज की तारीख में वहां पर जो लोग हैं वो भूखे मर रहे हैं, ना बिजली पानी ना सड़कें हैं। जब वो भारत की तरफ देखते हैं कि यहाँ पर खुशहाली है, यहाँ पर ग्रास रूट लेवल पे डेमोक्रेसी है, तो उनको खुद महसूस होता है वो भारत में मिलना चाहते हैं, इसमें कोई शक और सवाल नहीं। और पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान भारत का अटूट अंग है, वो मिलके रहेगा, इसमें तो मैं आवाज आ रही है आज पीओके में और गिलगित बाल्टिस्तान से। और ये जो टेररिज्म का साथ दे रहा है पाकिस्तान, एक डुबो देगा। आज से 2 साल पहले पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में ही इमरान खान ने बोला था 30 से 40 हजार आतंकवादी है हमारे पास, तो ऐसा हालात तो है पाकिस्तान की। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने इनको ग्रे लिस्ट पे किया हुआ है। वो क्यों किया है? क्योंकि आतंकवाद का सहारा देते हैं, आतंकवादी भेजते हैं भारत के अंदर, और जो अपना पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर उन्होंने इलीगली ऑक्यूपाई किया है वहां पर, ये एक प्रकार से डेमोग्राफिक चेंज कर रहे हैं। पाकिस्तान ने चीन के हाथों पीओके के लोगों को सीपैक के नाम पर भेज दिया है, जो सीपैक का जो आप जिक्र करती है ना, उसके हाथों गुलाम बना दिया है। हालत ये हो गई है वहाँ पर कि इंजीनियर जंगल लेके घूमते हैं। एक बात आप इनकार नहीं कर सकती है, आपको जो पट्टी पढ़ा के बिठाया गया है ना यहाँ पे, तो जरा आपको क्या है? आप पीटीआई की प्रवक्ता बनकर बैठाई है, आपका काम है, मेरा नहीं है। मैं तो पीओके की जनता के हक की बात कर रही हूँ, मैं पीओके की जनता के विकास की बात कर रही हूँ, क्योंकि पीओके हमारा है, हमारा रहेगा, और इसीलिए मुझे वहां की आवाम की चिंता है, क्योंकि आप लोगों ने उसको आतंक का अड्डा बना दिया है। पाकिस्तान से लोकल लाएंगे, वहां बिठाएंगे। आगे जो 8 मंसूबे हैं वो पीओके की जनता जान चुकी है। अभी क्या रही है आपने वहाँ पे मुसलमानों को मार रहे हैं। आप हमारी इतनी हितैषी बन रही है कश्मीरियों की, मुझे इतना बता दीजिए पाकिस्तान मकबूजा जम्मू कश्मीर में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, उनके नाम क्या हैं? आपने तो कश्मीरियों को भी बेकूफ बना रखा है। मकबूजा कश्मीर में जम्मू लेके बैठे हुए हैं और उनको कहते हैं आप कश्मीरी हैं। आप 10 जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनके नाम बता दीजिए, समझ जाओ कि आप हमारी हितैषी हैं कश्मीरियों की। आप एफएटीएफ में आप बंद है, एफएटीएफ में आपकी पाबंदी। दुनिया में हर आतंकवादी का जड़ पाकिस्तान में, दुनिया के 10 बड़े आतंकवादियों में से 9 पाकिस्तानी, और दुनिया में दहशतगर्दी हम फैला रहे हैं। मतलब बेशर्मी की हद होती है, झूठ बोलने की हद होती है। बिजली जो उत्पादन होता है बता रहा है कि आप सभी होके जा रहा है। टीपी त्यागी साहब, टीपी त्यागी साहब, मोहतरमा मुंह लाल हो गए, घबरा गए,
मुझे लगता है कि आप लोगों की जुबान भी कैसे साथ दे देती है, कैसे साथ देती है कि आपको असीम गंडापुर नजर नहीं आते जब उनको जूते मारे जाते हैं? आपकी तरह आपको असीम गंडापुर नजर नहीं आते क्या? क्या पहचानती नहीं है आप उनको? असीम गंडापुर को पहचानती है आप? पहचानती है कि नहीं? सदा हारून जवाब दीजिए मुझे, अमन की बात करता है, असीम गंडापुर को आप जानती है कि नहीं? वो तस्वीर आपने देखी कि नहीं? उन चार अस्पतालों के नाम बता दीजिए पाकिस्तान। मुंह पर टैप लग जाएंगे आपके, जवाब नहीं होगा आपके पास, क्योंकि आपको जवाब पीओके की जनता नहीं दे दिया है। भारत के अंदर मसला यही है कि पाकिस्तान की औकात नहीं है कि वो भारत के 5% भी फॉलो कर लेनी है या यहाँ के विकास चले जाता है। आप कहिए कि आपने पूरी तरीके से पीओके की जनता को भी गिरवी रख दिया सीपैक के नाम पर, चीन पर जो वहाँ के मेजोरिटी पॉपुलेशन थी उनको माइनॉरिटी कर दिया है, क्योंकि मुझे जनता से हित की बात कर रही हूँ। हमने तो कश्मीर में कोई फौज नहीं बिठाई अपनी, आप रेफरेंडम कराने अपने पास कश्मीर में, आप वहाँ पे इलेक्शन करवा लें, आप वहाँ के आवाम की राय ले लीजिए। दूध खाने का पानी हो जाएगा, 74 साल से जूता मुंह पे पड़ता आ रहा है ना भारत के, वो दोबारा पड़ेगा। पाकिस्तानी रेंजर है कि नहीं है? कौन है वो सियानी मुबारक के? एके शिवा साहब, पाकिस्तानी रेंजर क्या कर रहे हैं मकबूजा कश्मीर में? एके शिवा साहब, पाकिस्तान को अंदर झांक के देखना चाहिए। पाकिस्तान की जो अभी हालात बहुत खराब हैं, आज वो $62 बिलियन के कर्ज में है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पे 120 बिलियन डॉलर का कर्ज है, और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर हालात बहुत खराब है, इनको समझना चाहिए। और ये भारत का हिस्सा है, भारत के अंदर आके रहेगा, और ये जो इलीगली ऑक्यूपाइड है, और अभी सना को भी समझना चाहिए कि ये वक्त आ गया है कि ये वापस आए। ये जो इलेक्शन हो रहे हैं वो फॉर्स है, जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ जो करिए हम जीतने वाले हैं, क्योंकि वहां पर डेमोक्रेसी तो है नहीं, इलेक्शन तो रिग होते हैं, तो ये सच्चाई है। और आज की तारीख में लोगों को ना बिजली ना पानी ना सड़कें, और ऐसे में वो लोग परेशान हैं, और वो जो भारत का जब जम्मू और कश्मीर देखना चाहते हैं वो उसमें मिलना चाहते हैं, ये सच्चाई है। ये इनको समझना चाहिए, राइटिंग ऑन द वॉल इज वेरी क्लियर कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत का हिस्सा है, और भारत के अंदर बना दिया और बाहर से सारे देशों के चीन ले गया। तो ये क्यों नहीं समझ रहे कि ये जो जम्मू कश्मीर और कश्मीरी लोग हैं वो भारत में मिलना चाहते हैं, क्योंकि वो भारत का हिस्सा है, वो देख रहे हैं भारत में कितनी डेवलपमेंट हुई है, वो भी चाहते हैं डेवलपमेंट, वहां पर तो उनको सेकंड क्लास सिटीजन माना जाता है। उनकी नदी जो नीलम नदी है उसका मुंह भी मोड़ के इन्होंने पंजाब में मोड़ दिया। तो ऐसे में इनको अंदर झांकना चाहिए कि क्या हालात है आज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के, वहां पर इन्फ्लेशन रेट 25% से ज्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट 40% है, लोग भूखा मर रहे हैं, और वो चाहते हैं कि कहीं भारत का हिस्सा बने तो वहां पर सड़कें आएंगी, पानी आएगा, बिजली आएगी। सर यही विकास किया है इन्होंने, पाकिस्तान से आतंकी ढोकला दिए, दहशतगर्दी फैला दी, सीरिया और तुर्की के लाने का प्लान है वहां पर बिठा देंगे, यही विकास किया है इन्होंने। पीओके का तो यही विकास हुआ है, कुछ तो शर्म आनी चाहिए सर, वो भी नहीं आती। इनके पास टेररिज्म है और कुछ नहीं है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में ये टेररिज्म फैला रहे हैं, वहां से आतंकवादी भेजते हैं, यही कार्रवाई करते हैं और कुछ नहीं है पाकिस्तान में। पाकिस्तान एक टेररिस्ट की फैक्ट्री है, आप पंजाबी हैं, आप कहाँ से पंजाबी हैं? पाकिस्तान के पंजाबी हैं आप, जिन्होंने पूरे पाकिस्तान को नाश कर रखा है, आपके पीछे इतने प्रोविंसेस में क्या हो रखा है सबको पता है। जब मैं अपने भाई बहनों से बात करता हूँ मकबूजा कश्मीर में, वो कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी
भारत में बैठे प्रधानमंत्री मोदी जी को त्यागी साहब ज्यादा दिन खेल नहीं चलेगा पाकिस्तान को समझ आ रहा है छुड़ा ले बिल्कुल ज्यादा दिन खेल नहीं चलेगा लक्ष्मी खेल नहीं चलेगा मियां इमरान खान का खेल ज्यादा दिन नहीं चलेगा क्योंकि अब कटोरे में डालने से चीनी इनकार करने लगा अब कटोरे में डालने से मना करने लगा क्योंकि आपने भरोस पर भी हमला कर दिया आतंकी जो पाले थे ना आपने सपोले में उन्होंने आपके लिए भी खतरा पैदा कर दिया अगर हम कुछ बात करते हैं तो हमें रेंजर्स उठा लेते हैं पूछा मुझे बताइए बिल्कुल देखो इसमें कोई शक नहीं कि आईन को अंदर झांक के देखना चाहिए आज पाकिस्तान आतंकवाद का गढ़ है आप ही देखो अफगानिस्तान में ये क्या कर रहे हैं तालिबान के साथ मिलके आज अफगानिस्तान के अंदर भी ये किसी प्रकार से टेररिज्म ला रहे तो पाकिस्तान को समझना चाहिए कि अगर ये टेररिस्ट का ध्यान देंगे और साथ देंगे तो कल को पाकिस्तान और हिस्सों में टूट जाएगा और ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को भूल जाएं क्योंकि ये भारत का हिस्सा है और भारत का हिस्सा रहेगा इसके तो हमने 1994 में रेजोल्यूशन पास हो रखा है ये जो इलेक्शन करा रहे हैं ये फार्स है ये जो इलेक्शन है ये तो पहले लिख है और लोगों की आवाज सुनो मिलना चाहते हैं भारत के जम्मू कश्मीर से ये क्यों नहीं समझ रहे कश्मीर में तिरंगा फहरा ला रहे हो बहुत जल्द पीओके में भी तिरंगा फहराता हुआ आपको नजर आएगा आप तो टेररिज्म फहराना चाहते हैं कश्मीर में तिरंगा फहरा रहा है छोटा नहीं है पाकिस्तान सना हारून तस्वीर आप देख लीजिए तिरंगा शान से फहरा रहा है इस वक्त कश्मीर में भी और बहुत जल्द होगा कि उसी तिरंगे की तस्वीर आप पीओके में देखेंगे और उस वक्त बैठकर बात करेंगे बहुत धन्यवाद सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए समय इतना ही था डिबेट को आगे नहीं बढ़ा सकती लेकिन एक बात समझ लीजिए कि अब पाकिस्तान को यह समझ आ गया है कि पीओके उससे हाथ से जाने वाला है वो बयान आपको याद होगा संसद में गृहमंत्री अमित शाह का जब उन्होंने कहा कि मैं जब कश्मीर की बात करता हूं तो पीओके भी उसमें शामिल होता है और यही डर सता रहा है अब इमरान खान को कि अब पीओके उनके हाथ से जाने वाला है और वो सपना जो देख रहे हैं वो कयामत तक पूरा होने वाला नहीं थोड़े से ब्रेक ले रुक रहे हैं लेकिन इसी मुद्दे पर 10 मिनट बाद फेसबुक लाइव पर आपके साथ जुड़ूंगी जरूर जुड़िए नमस्कार।